पाकिस्तानी लेखक सादत हसन मंटो की एक बेहद मशहूर लाइन है, वैश्या पैदा नहीं होती, बनाई जाती है या खुद बनती है। दरअसल 18 फरवरी 2023 को एक बेहद चर्चित वेब सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आया। वेब सीरीज का नाम था हीरा मंडी, जिसे लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। अब सवाल आता है कि आखिर क्या है ये हीरा मंडी, जहाँ कभी तहजीब सीखने जाते थे शाही लोग, कैसे वो पाक जगह बन गई एक बदनाम गली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है ये पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूँ आंचल सनोरिया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट ओटीटी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तकरीबन 15th और 16th सेंचुरी के वक्त पर, जहाँ हीरा मंडी बदनाम गली नहीं थी। बेसिकली हीरा मंडी एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान के लाहौर शहर में है। हीरा मंडी नाम सुनकर आप सोचेंगे कि यहाँ डायमंड्स को खरीदा या बेचा जाता होगा, पर नहीं। दरअसल पंजाब के एक सिख राजा रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। उन्होंने यहाँ सबसे बड़ी अनाज मंडी को बनाया था। हीरा सिंह ने यहाँ मंडी तो बनाई ही थी, साथ ही ऐतिहासिक तौर पर फेमस इस तवायफ इलाके में फिर से तवायफों को बसाने का काम भी किया था। मुगल काल के रईस कैटेगरी के लोगों के लिए हीरा मंडी तवायफ कल्चर और कस्टम का केंद्र थी। कहा जाता है कि पहले राजकुमारों और शासकों को अपनी विरासत और संस्कृति की जानकारी के लिए हीरा मंडी भेजा जाता था, और इसी वजह से इसका नाम शाही मोहल्ला पड़ा। ये उस वक्त की बात है जब तवायफों को सिर्फ संगीत, मेहमान नवाजी, उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने, डांस, कला, तहजीब और नफासत यानी कि खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता था। मुगल काल में हीरा मंडी में रहने वाली सभी तवायफों की लाइफ अब तक बहुत अच्छी थी। एक इज्जतदार जिंदगी वो जिया करती थी, जहाँ अपनी कला और संस्कृति को शोकेस करने का उन्हें भरपूर मौका मिलता था। लेकिन मुगल काल जब अपने खत्म होने पर था और अंग्रेजी हुकूमत शुरू होने को तैयार थी, तभी से हीरा मंडी की हवा बदलने लगी थी। अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से औरतों को यहाँ लाकर रखा जाता था और उनसे अपने एंटरटेनमेंट की चीजें करवाई जाती थी। अब तक हीरा मंडी शाही मोहल्ला था, पर अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद ये शाही मोहल्ला एक बदनाम गली में तब्दील होने लगा। लाहौर कई बार विदेशी इन्वेडर्स के निशाने पर आ गया था, और फिर अफगान इन्वेडर्स ने यहाँ के तवायफ खानों को उजाड़ दिया था और जबरन तरीके से यहाँ से औरतों को उठाकर ले गए थे, जिसके बाद इस शाही मोहल्ले में वैश्यावृत्ति यानी कि प्रोस्टिट्यूशन पनपने लगी। वहीं अहमद शाह अब्दाली के अटैक के दौरान हीरा मंडी का नाम पहली बार वैश्यावृत्ति से जुड़ा, और सैनिकों ने उन औरतों के साथ वैश्यालय यानी कि ब्रॉथल एस्टैब्लिश किए, जिन्हें उन्होंने अटैक के दौरान गुलाम बना दिया था। वहीं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हीरा मंडी धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगा। अंग्रेजों ने तवायफों को प्रोस्टिट्यूट का नाम दे दिया। नतीजा ये हुआ कि ये मोहल्ला बदनाम होता चला गया। उन्होंने जबरदस्ती तवायफों को सेक्स वर्कर बनने पर मजबूर कर दिया, और ब्रिटिश शासनकाल में ये इलाका पूरी तरह से वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। प्रेजेंट टाइम में लाहौर की हीरा मंडी रेड लाइट एरिया में तब्दील हो चुकी है। हालांकि ये दिन के वक्त पाकिस्तान के तमाम शहरों की तरह ही दिखता है। यहाँ बाजार लगता है, लजीज खाने के आइटम्स मिलते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ महफिलें सजने लगती हैं। दुकानों के ऊपर की मंजिलों पर बने ब्रॉथल आबाद होने लगते हैं, और फिर यहाँ कस्टमर पहुँचते हैं जो सेक्स वर्कर्स को ढूंढते हुए नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार हीरा मंडी का जिक्र करण जौहर की फिल्म कलंक में हुआ था, लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्म बॉलीवुड को देने के बाद बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वेब सीरीज हीरा मंडी, जिससे पाकिस्तान के इस रेड लाइट एरिया की कहानी को और भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, संजय लीला भंसाली को इस वेब सीरीज की स्क्रिप्ट तकरीबन 14 साल पहले मिली थी, लेकिन इसे बनाया अब गया है। इस सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इसमें आपको मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख और शर्मिन सेगल जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फिल्मी बीट ओटीटी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।